नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। जिला मुख्यालय में जाम से निजात दिलाने के लिए बनाए जा रहे आरओबी और अप्रोच की लंबाई को लेकर संवेदक व विभागीय अधिकारियों में कन्फ्यूजन रहने के कारण कार्य की गति काफी धीमी रहने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। लोगों को हो रही परेशानी को देख डीएम कौशल कुमार ने स्थल का जायजा लिया और विभागीय अधिकारियों से बात कर कन्फ्यूजन दूर करने की बात कही। डीएम कौशल ने कहा कि कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है, नवंबर दिसंबर तक कार्य पूरा होने की उम्मीद है। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों व संवेदक को फटकार लगाते हुए कार्य में तेजी लाने की हिदायत दी। जानकारी के अनुसार लोहिया नगर चौक पर बनने वाली आरओबी और अप्रोच की कुल लंबाई 1417 मीटर होगी। अंबेडकर चौक से कलेक्ट्रेट तक बनने वाली आरओबी की कुल लंबाई 790 मीटर एवं अप्रोच की कुल लंबाई 627 मीटर होगी। 10 स्पैन पर बनने वाले पुल को लेकर 7 स्पैन 24 मीटर का एवं 3 स्पैन 36 मीटर का होगा। 2 लेन के आरओबी की चौड़ाई 14 मीटर होगी। ओवरब्रिज जो टाउन में बन रहा है वो काफ़ी द्रुत गति से बन रहा है और संवेदक और स्कूटी में कोई कन्फ्यूजन इसको दूर किया गया है और संवेदक को कहा गया कि तेज़ी से काम और करें ताकि इस साल के अंत तक नवंबर दिसंबर तक फ्लाईओवर का पूरा कम्प्लीट। डिजाइन चेंज की बात आ रही थी सर, क्या डिजाइन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो लेटेस्ट अप्रूव हुआ उसी डिजाइन पर काम आएगा और जो लेटेस्ट अप्रूव हुआ उससे हमें अधिक ज़मीन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, हमारा धन बसेरा भी बच जाएगा और पेड़ काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। काफ़ी जो भी आवश्यकता पड़ेगी बहुत कम पेड़ काटना पड़ेगा। रेल से संबंधित कुछ बनना था अप्रूवल, उससे रेलवे का जो अप्रूवल होना है, जो लेवल क्रॉसिंग यहाँ पे बंद हो जाएगा जो बन रहा है अभी, तो उसके बगल में जो आरएसएम के बगल में एलसी है उसको बनाना है, उसका टेंडर रेलवे द्वारा निकाला जा चुका है, संभवतः 10 दिन में वो तैयार टेंडर फाइनल हो जाएगा, एलसी बन जाएगा, फिर डिजाइन अप्रूव होगा तो हम लोग बाकी काम भी करेंगे। क्या यह माने कि अब निर्माण काल में किसी तरह की बात? बिल्कुल तेज़ी से हो ही रहा है, तो करता वो कन्फ्यूजन था दूर किया गया है, अब काफ़ी तेज़ी से होगा। हर सैटरडे को हम लोग इसका मॉनिटरिंग करते हैं अपने चैम्बर में ताकि काम की गति है वो बनी रहे।